एरिया ज्यादा होता और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। एक आता था, मैं सोचता था यार ये थर्ड फ्लोर पे कैसे जाके बैठ गई। बताया था ना आपको, याद होगा आपको एक चीज याद होगा, मैंने बताया था पाई गाइस। हमने बर्नौलीज इक्वेशन देख लिया। बर्नौलीज इक्वेशन देखने के बाद हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमें समझना क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया एंड स्पीड का रिलेशन ये फाइंड करना है कि जब भी हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ये चीजें हम समझने वाले। गाइस देखो, कुछ चीजें मैंने बताई थी कि बर्नौलीज इक्वेशन को समझने के लिए, और समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फ्लूइड होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था वॉल्यूम इनलेट पे और आउटलेट पे दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब गाइस इनलेट पे मास और आउटलेट पे मास दोनों जगह क्या होने वाला, सेम होने वाला। और इसी से हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या करना है, समझना है। गाइस देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, एकदम सिंपल रिलेशन है ये। देखो पहले इसको हम, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। चलो भाई नीचे आ जाओ आप, ये आ गया नीचे, ये आपको पूरा लिखा हुआ नोट्स भाई आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हम आपका स्पेशल टेलीग्राम बनाया गया, पहले बता देता हूँ, 12th वालों के लिए, साइंस के लिए हमने स्पेशल टेलीग्राम बनाया जिसके अंदर एकदम प्यारा सा हैंड रिटन नोट्स आपके प्रदीप सर का मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं लगेगा, 399 रुपीज़, समझ में आया। सो चलो प्रूफ करके देता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत सिंपल है, और इतना ज़्यादा इसके बारे में इतना फैला के रखा है ना यार, क्या बोलूँ। टेंशन नहीं लेने का, एकदम सिंपल तरीके से हम करेंगे। तो देखो M1 इक्वल टू M2, मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों जगह मास क्या सेम है, इसलिए M1 इक्वल टू M2 लिखा है। अब भाई मैं इसको मास के जगह पर हम इतने बार लिख चुके हैं कि मास को रिप्लेस करके रो इंटू वी लिख सकता हूँ, पर वी हम यहाँ नहीं लेते, हम क्या लिखते हैं, dV लिखते हैं, क्योंकि हम छोटे से जगह के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वी। वैसे रो इंटू वी होता है, पर मैंने आप सभी को बताया था कि हम यहाँ के लिए dV इसलिए लेंगे कि छोटे से जगह के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब उस दिन हमने ये भी देखा था कि वॉल्यूम इनलेट और आउटलेट दोनों जगह सेम है, इसलिए हम यहाँ 1 2 नहीं लिखते, और डेंसिटी तो हर जगह सेम होती है क्योंकि सेम ही फ्लूइड है ना। तो ये हो गया dV। अब भाई अगर इस वॉल्यूम को मुझे चेंज करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, देखो उस दिन का जस्ट उल्टा हम कर रहे हैं। वॉल्यूम फाइंड किया जाता है जब एरिया 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 इस एरिया को जब हम ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता था वॉल्यूम। तो यहाँ देखो इतना फ्लूड, इतना इतने जगह की बात कर रहे हैं, इतने फ्लूड, इतना फ्लूड ने इतना डिस्टेंस कवर किया, और जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या, dx1। तो मेरे दोस्त यहाँ लिख दिया हमने dx1, और सेम यहाँ बिना देख के हम लिखेंगे। दूसरे आउटलेट का क्या हो जाएगा, एरिया a2 हो जाएगा, और जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा, चलो हम बता ही देते हैं। ये देखो ये कितना dx2। अब इसके बाद गाइस हमने ये कर लिया, ये dx1 है। अब आपने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, सदियों पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई ये लिखना नहीं है आपको, आपको ये लिखना है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं इनलेट की अगर बात करूँ तो V1 हो जाएगा, ओके V1, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर इनलेट की बात करूँ तो dx1, और जो टाइम होगा इसके लिए, टाइम हर जगह dt यूज करते हैं, तो देखो हमें यही फाइंड करना था, dx1 फाइंड करना था। तो dx1 कैसे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx1 इक्वल टू v1 dt, और जस्ट ये dx1 है, d2 का ऐसा ही हो जाएगा, dx2 इक्वल v2 into dt, समझ में। dx1 का, और dx1 जैसे ही आएगा वैसे ही बस इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा, और dt तो टाइम तो सेम ही होता है दोस्त। तो अब इसके जगह पे हम रखेंगे, यहीं मैं रख देता हूँ, रो a1 इंटू dx1 की जगह मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, dx1 की जगह v1 into dt, क्लियर, इक्वल रो इंटू a2, dx2 के जगह पे क्या आ जाएगा, v2 into d2, v2 into dt, सॉरी। अब दोनों साइड से ये रो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसल, dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसल, और ये क्या बचेगा, a1 into v1 इक्वल टू a2 into v2, क्लियर क्लियर। ये देखो हमने फाइंड कर लिया, फाइंड कर लिया। अगर मैं ये एक का रिलेशन ऐसा निकालना चाहूँ तो देखो, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जब मैं एरिया बढ़ाऊंगा, एरिया जब बढ़ा दूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
देखो भाई, मैंने बताया था ना आपको, याद होगा आपको एक चीज याद होगा, मैंने बताया था पाइप वाला एग्जांपल, जब मैंने पाइप हाथ में पकड़ी, ये देखो पाइप हाथ में पकड़ी ही है, और पाइप जब हाथ में पकड़ी और पाइप को मैंने जब प्रेस कर दिया तो पानी का स्पीड बढ़ जाएगा, और जब मैं बड़ा वाला पाइप मैं लेके आ गया हूँ और पानी तो यहीं गिरेगा क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो मैंने प्रूफ कर दिया। और भाई देखो एक चीज, अगर मैं दो इनलेट और आउटलेट की बात करूँ, तो जहाँ एरिया बढ़ता है वहाँ स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ एरिया कम होता है वहाँ स्पीड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है। मतलब जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, तो कुल मिला के इनलेट पे और आउटलेट पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, क्योंकि एक बढ़ेगा एक कम होगा, और इस साइड भी एक बढ़ेगा एक कम होगा, तो दोनों पे इनलेट और आउटलेट पे अगर एरिया और स्पीड की बात करूँ तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। बट अगर बस मैं एरिया और स्पीड की बात करूँ, तो जहाँ एरिया बढ़ेगा वहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, कम, जहाँ स्पीड कम होगा वहाँ एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं, ये इक्वेशन हो गया बस इतना सिंपल सा इक्वेशन। अब इसके बाद गाइस, एक हमारा है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में इसमें दिया क्या है, पहले ये समझो, हमने एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर के अंदर मेरे दोस्त मैंने वाटर भर के रखा हुआ है, वाटर भर के रखा। अब मान लो मुझे नीचे 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 जाके इस पॉइंट पे का प्रेशर फाइंड करना है, इस पॉइंट पे का अगर प्रेशर फाइंड करना है, तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, वही इक्वेशन ये है, समझ में। तो मैंने मुझे अगर इस पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना है और इस पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना है, तो मैं इसी जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन का यूज करके उसका प्रेशर क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ। तो मैं सोचो कि मैंने यहाँ इमेजनरी इसके अंदर एक सिलेंडर बना दिया, ओके। इस इमेजनरी सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्या होने वाला है वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं ऊपर से नीचे नीचे बढ़ रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे आया और यहाँ मैंने एक इमेजनरी सिलेंडर बना दिया है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा वो ये डेरिवेशन बताएगा। देखो तो आप सभी को पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी इक्वल टू ए। अब देखो वही घिसी पिटी कहानी, मास, मास को हम कैसे चेंज कर देते, रो इंटू वी और ये जी ए, इतने बार मास को चेंज कर दिया आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद गाइस वी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे मिलेगा, जब एरिया और हाइट को जब मल्टीप्लाई करें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये हाइट को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो रो इंटू वॉल्यूम कैसे होगा, जब एरिया एंड हाइट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। अब ए ऊपर और नीचे से ए कैंसल, और हमारा जो रिलेशन आएगा रो एच जी, ओके, ये आ गया हमारी पी के वैल्यू। तो भाई अगर मुझे ऊपर से नीचे आते आते इस पॉइंट का अगर प्रेशर फाइंड करना है, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, रो एच जी, क्लियर। इतना सिंपल है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, जब मैं ऊपर से नीचे 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 आ रहा हूँ और मुझे किसी पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना है, लिक्विड के अंदर भी किसी पॉइंट पे का प्रेशर फाइंड करना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, रो एच जी, क्लियर। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट, जो हमारा पास्कल लॉ। अब ये पास्कल लॉ क्या है भाई, ये पास्कल लॉ क्या है, देखो पास्कल बाबा ये बताते हैं कि मैंने एक इनक्लोज कंटेनर लिया, और इस इनक्लोज कंटेनर पे, इस इनक्लोज कंटेनर पर जो मैंने फ्लूड डाला हुआ है, जो मैंने फ्लूड डाल के रखा हुआ है, तो भाई ये जो फ्लूड है ना, वो हर पॉइंट पे उसका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, हर जगह सेम होने वाला है। यहाँ यहाँ इस ये जो फ्लूड है इस कंटेनर पे, इस वॉल पे भी यही सेम प्रेशर लगाएगा, यहाँ भी सेम प्रेशर, एक दूसरे पे भी सेम प्रेशर। कहने का मतलब पास्कल बाबा ये बोलते हैं कि अगर एक कंटेनर के अंदर एक सेम फ्लूड रखा हुआ है, तो उस पे हर जगह सेम प्रेशर क्या होगा, अप्लाई करेगा वो फ्लूड, समझ में। यही पास्कल बाबा बताते हैं, पास्कल बाबा सिंपल सा यही बोलना चाहते हैं, अपने सरल शब्दों में ये बताना चाहते हैं कि एक हम कंटेनर अगर लेते हैं, उस कंटेनर के अगर हम कोई भी फ्लूड डालते हैं, तो वो फ्लूड हर जगह पे इक्वल फोर्सेस क्या होगा, इक्वल प्रेशर क्या होगा, लगाएगा। ऐसा कौन बोलता है, पास्कल। और इसी का यूज करके हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक ये दोनों बनाए हैं और इसका फायदा उठाया है। कैसे, चलो हम समझाते हैं आपको, इसको थोड़ा हम ले लेते हैं ऊपर। ये आ जाएगा नीचे हमारा, और इनको भी हम ले लेते हैं इधर, और दोनों चीज बार एक ही बार में आपको समझा देंगे। ये देखो ये पास्कल बाबा के एप्लीकेशन है, हम इनको यहां कर देते हैं और इनको यहां कर देते हैं। देखो गाइस, आपने कभी कभार तो एक चीज तो देखा होगा, देखो मैं छोटा था तो मुझे दिखता था, सोचता था यार ये कार ऊपर से जाके कैसे बैठी है यार, सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे, जहां भी मतलब
जैसे कि अब होंडई शोरूम में चले जाओ, हमारे इधर होंडई होंडई का शोरूम है, तो उस होंडई के शोरूम में मैं सोचता था जब छोटा था तो मैं सोचता था यार ये थर्ड फ्लोर पे कैसे जाके बैठ गई है। हाँ लगता है उसको ना स्पेशल कुछ बनाया गया है जिसके ऊपर वो चढ़ के जाती है, ऐसा ऐसा करके जाती है, तो मुझे ऐसा सब लगता था। पर आगे जाके जब हम बड़े हुए, जब हमें पता चला भाई ये क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसके ऊपर कार को रखा जाता है और कार धीरे धीरे ऊपर जाती है, और ऐसे ही अब जनरली हर जगह मॉल हर जगह यूज़ किया जाता है इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो कैसे होता है, अब देखो एक चीज़ और, पहले एक ब्रेक होता था जो ब्रेक ज़्यादातर मशीनें, मतलब उसके अंदर स्प्रिंग होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको हम ब्रेक लगाते थे और हमारे हमारा गाड़ी रुकता था। बट बहुत बार उस समय आप सुनते थे कि ब्रेक फेल हो गया, बट अब जो ब्रेक आ गया है वो हाइड्रोलिक ब्रेक आ गया, जिसमें चांसेस ऐसा नहीं बोलूंगा कि फेल नहीं होता बट बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। जो ब्रेक फेल होता था ना, जिससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता था, बहुत कम हो गया, क्योंकि अब जो ब्रेक यूज़ किया जाता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ किया जाता था। तो ये किस तरह से फंक्शन करता है, क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले। अब देखो गाइस, अभी हमने देखा कि अगर सेम फ्लूइड है तो पास्कल बाबा ने ये बोला था कि हर जगह पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इवन कंटेनर पे, जो वॉल ऑफ कंटेनर है, वहाँ भी वो लिक्विड क्या करेगा, सेम प्रेशर लगाएगा, और इसी का फायदा उठा के हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक बनाया गया। कैसे, ये प्रूफ करके देंगे। चलो मान लो ये देखो, ये हमारा दो हमने कंटेनर है हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए, एक छोटा और एक बड़ा, और ये बड़े कंटेनर के ऊपर ही हमारा व्हीकल होता है, जो आराम आराम से, ये व्हीकल या तो कुछ भी कार बाइक कुछ भी आराम आराम से लिफ्ट होता है, ऊपर जाता है। अब ये देखो सिंपल सी बात है कि हमारा यहाँ जुगाड़ क्या होना चाहिए, हमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स वाला रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े और रिजल्ट कम मिले तो उसका कोई मतलब नहीं होता, हमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा रिजल्ट मिले तो मज़ा तब आता है। तो भाई वही चीज़ यहाँ यूज़ किया है। आप जनरली अगर आपने फोकस किया होगा तो बस एक जाके वो प्रेस करता है, दूसरे साइड से हमारी गाड़ी लिफ्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, तो फंक्शन क्या होता है उसके अंदर, अब देखो यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हो रहा है कि इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ, और प्रेशर क्रिएट हुआ, सेम फ्लूड है ना, सेम फ्लूड गया, तो ये प्रेशर हर जगह पास हो गया, मतलब पूरे फ्लूड के अंदर सेम प्रेशर अप्लाई हो गया, सेम प्रेशर अप्लाई हो गया, और यहाँ कुछ तो कुछ फोर्स लगा जिसके कारण ये ऊपर लिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से, अब कैलकुलेशन वाइज तो मैं समझाता हूँ, कैलकुलेशन वाइज समझाता हूँ। आप सभी को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर पता है। अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है कि इस जगह पे और इस जगह पे कितना फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर इंटू एरिया हो गया। पहले वाले पॉइंट का मैं ले लेता हूँ 1 1 1, और दूसरे वाले का मैं इसी तरह से ले लेता हूँ F2 P2 A2। देखो गाइस, मैं देख अभी प्रूफ कर दूंगा एक नंबर वाइज कि कहाँ फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा। देखो अगर मैं F1 की बात करूँ तो प्रेशर सब जगह सेम होगा, क्योंकि पास्कल ने बोला था प्रेशर सब जगह सेम होगा, तो प्रेशर चलो ना मैं 2 ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल, यहाँ एरिया कितना है, एरिया मैंने यहाँ 5 ले लिया, तो 5 दूसरा कितना होगा, 10 न्यूटन। अब वही अगर मैं F2 की बात करूँ, प्रेशर तो सेम है, प्रेशर हर जगह सेम है, बट एरिया देखो ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो एरिया मैं ले ले ले, ले लेता हूँ यहाँ 10 10 2 20 न्यूटन। तो भाई यहाँ लगने वाला जो फोर्स है ज़्यादा है, यहाँ हमने कम एरिया पे कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स क्या किया, क्रिएट किया, और इसी 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 फंक्शन का यूज़ करके, इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके हमारी गाड़ी को क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। देखो मैंने प्रूफ करके दे दिया कि कम एरिया है, कम मतलब का हमारा एरिया कम है, हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ा, बट यहाँ जो रिजल्ट मिला, ज़्यादा एरिया है, प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम लग रहा है, तो फोर्स हमें क्या मिला, ज़्यादा मिला। ओके क्लियरली, और इसीलिए ये हमारी गाड़ी, हमारा कम फोर्स लगाने के बाद भी हमारी गाड़ी आराम से क्या होती है, लिफ्ट होती है। क्लियर, अब इसको अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो किस तरह प्रूफ करके दोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लोग कितने पिस्टन यूज़ कर रहे, 2 पिस्टन यूज़ कर रहे, पहला पिस्टन ये है, दूसरा पिस्टन ये है, पहले पिस्टन का एरिया कम है, दूसरे वाले पिस्टन का एरिया ज़्यादा है, यहाँ पहले वाले पिस्टन पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका एरिया भी कम है, दूसरे वाले पिस्टन पे हमें जो फोर्स हमें ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए ना, क्योंकि यहाँ बड़ा बड़ा बड़े बड़े कंटेनर होंगे, बड़े बड़े व्हीकल्स हैं जिनको लिफ्ट करना है, बट एरिया यहाँ क्या है, ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने के कारण प्रेशर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ नॉर्मली यही वही वाला फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
देन इसके बाद फर्स्ट वाले के लिए F1P1 × A1 ये हो जाएगा पहले वाले के लिए। देन इसके बाद गाइस दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला मैं लिख ही देता हूँ, ये क्या हो जाएगा P2 × A2। बट हमें पता है बट P1 = P2, प्रेशर वन और प्रेशर टू दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। अब इसका P1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये F1 upon A1, और ये क्या हो जाएगा F2 upon A2। क्लियर? अब मुझे यहाँ का फोर्स फाइंड करना है, क्योंकि मुझे यहाँ का फोर्स पता लगाना है ना कि यहाँ फोर्स ज़्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं इसको कैसे प्रूफ करूँगा, इसको मैं सीधे लिख लेता हूँ, F2 A2 = F1 upon A1। अब देखो A2 यहाँ डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नीचे A1 है A2 ऊपर चला जाएगा और × F1। तो सिंपल सी बात है, एरिया A2 का एरिया ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू A1। अब A2 का एरिया अगर A1 से ज़्यादा तो सिंपल सी बात है F1 से F2 का प्रेशर भी क्या होगा, F1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में? ये सिंपल सा हमने कैलकुलेशन निकाल दी, A2 का एरिया ज़्यादा है, A2 का एरिया क्या ज़्यादा है, और A2 का एरिया A1 से ज़्यादा, तो सिंपल से बात है फोर्स भी F1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं कि स्मॉल जगह पे स्मॉल प्रेशर लगा पे स्मॉल प्रेशर लगाने पे भी हमें क्या मिलता है, ज़्यादा रिजल्ट मिलता है और हमारा जो गाड़ी आराम से क्या होता है लिफ्ट होता है। ये होता है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। और भाई सेम यहाँ भी जो हमारा फंक्शन जो चार टायरें होती हैं, ये देखो ये टायर, ये टायर, ये टायर, ये टायर, हमारा मेन ब्रेक जो हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद देखो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर वहाँ एरिया ज़्यादा होता और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, एरिया ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और एरिया अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स अगर हमें लगाना पड़ा तो भाई उसका क्या मतलब है, एरिया कम होना चाहिए, हमें फोर्स कम लगाना पड़े और रिजल्ट ज़्यादा मिले। तो वही फंक्शन, ये देखो कम एरिया, ओके कम फोर्स, पर ये चार है जो चार है, और चारों का देखो इसके कंपैरिजन में, इस पिस्टन के कंपैरिजन में इन सभी का एरिया क्या है, ज़्यादा ज़्यादा। और सिंपल सी बात है एरिया ज़्यादा ज़्यादा है तो ये चारों जगह पे फोर्स भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, चारों जगह पे फोर्स भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और फोर्स ज़्यादा मिलने के कारण क्या होता है, हमारी गाड़ी आराम से रुक जाती है, कम फोर्स लगा के भी, कम फोर्स लगाए कम फोर्स क्योंकि एरिया कम, ज़्यादा फोर्स क्योंकि एरिया ज़्यादा। और इसी तरह का काम करता है हमारा, कौन काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी काम करता है। देखो भाई मैंने इसके अंदर एक ही लॉजिक है, इसके अंदर पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है और वो फ्लूइड में प्रेशर हर जगह सेम है, हर जगह प्रेशर सेम है, बस जहाँ हमें बढ़ाना है वहाँ हमने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, और एरिया बढ़ा दिया प्रेशर सेम है, तो एरिया और प्रेशर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ज़्यादा एरिया हो गया है प्रेशर तो सेम रहेगा, ज़्यादा एरिया हो गया, एरिया अगर बड़ा हो गया, एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया सिंपल सी बात है फोर्स भी क्या हो जाएगा, उस जगह का बड़ा हो जाएगा। तो भाई इसी मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है यहाँ। ओके अब गाइस एक और हम आज कौन सा कर लें, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने कर लिया, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट कर लिया, देन हाँ तो बस आज के लिए बस इतना है, आज के लिए बस इतना है, क्योंकि हमने टोटल तीन हमने कर लिया, कंटिन्यूटी इक्वेशन कर लिया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कर लिया, देन पास्कल लॉ कर लिया और पास्कल लॉ के अप्लीकेशंस भी कर लिए। हाँ बर्नौलीज इक्वेशन के अप्लीकेशन बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले और आराम से करने वाले, कोई टेंशन। तो फटाफट फटाफट पढ़ाई कंप्लीट करते जाओ, पूरी तरह से कंप्लीट करते जाओ, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से एग्जाम में लिखोगे, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।